हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसन अली। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं मनीषा रानी की कॉमेडी रिलीज पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप कैसे यकीन करें इंसान की मोहब्बत पर, मैयत पर कपास कपास के रोने वाले, तेरवी पर पूरी गर्म मांगते हैं। रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड समझा क्या? बर्तन धो रही थी मैं। बर्तन धो रही थी मैं। हिम्मत नहीं है अब बहस करने की, जैसा तुम कहो वैसे ही ठीक है। तो लीजिए ये बर्तन, अब बिना खिचखिच किए धो दीजिए, जाइए। बर्तन धो लीजिए यार, हमको लपेट लो या हमसे लपटा जा। इट्स वैलेंटाइन डे गाइस, कोई तो कड़ी बजाओ। चौदह फरवरी को होता है वैलेंटाइन डे, और उसके ठीक 9 महीना बाद 14 नवंबर को होता है चिल्ड्रंस डे। इसका मतलब यहाँ पहले से पूरा सिस्टम है, वैसे सेट किया गया है। लोग झूठ का लड़का लड़की को बदनाम कर देता है भाई। वाव, जबरदस्त मनीषा जी। यू नो, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये मेरा चौथा वैलेंटाइन डे है। अरे वाह, सही है बहन। और तुम अपना बताओ। बहन, हमारी रिलेशनशिप तो कभी इतना लंबा चल भी नहीं करता है कि जिसमें वैलेंटाइन डे भी आए। शादी के समय तुमने सबके सामने स्वीकार किया कि तुम हमेशा मेरी इज्जत करोगे, मेरी बात मानोगे। तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? यार आपको ये मनीषा रानी की कॉमेडी कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेबी हैप्पी रोज डे। थैंक यू बेबी, हैप्पी रोज डे बहन। तुम लोग के लिए होगा ये रोज डे, हम लोग के लिए ये रोज वाला डे है। एक्स उक्स गया चूल्ही में, हे भगवान इस वैलेंटाइन डे पर एगो हैंडसम सा लड़का भर दे हमर झोली में। आज प्रपोज डे है, कोई तो प्रपोज कर दो। अपने बाप की कसम खा रही, ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगी। नजर नजर में हाल दिल का पता चलता है। अच्छा? हमर पति है सामने वाली पड़ोसिया के साथ फसल, साफ पता चलता है। जब जिंदगी में है ये नहीं है कोई छोरा, तो फिर किस बात का 14 फरवरी हो रहा? शादी तो मेरी बॉयफ्रेंड से ही होनी है, लेकिन किसके बॉयफ्रेंड से ये पता नहीं। ये पता नहीं, ये कौन है? मेरा नया बॉयफ्रेंड। इससे भी बर्तन धुलवाती हो क्या? बर्तन छोड़ भाई, कपड़ा भी धुलवाती है। ऐसे ही होगा मनीषा। हम तो दिल दे चुके, तो आप अपना प्रॉपर्टी भी दे दो। प्रॉपर्टी भी दे दो यार मनीषा रानी को, छोड़ के चला गया यार। एक्सक्यूज मी, यस, मुझसे सेटिंग करोगी? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं कौन सा कुंवारा हूँ? सारी लड़कियाँ आजकल सोशल मीडिया में जहाँ देखो वहीं अपना पेट दिखा रही है, पीठ दिखा रही है। अब जब सब दिखाइए रही थे, हम कहे पीछे हटे भाई, हम हूँ दिखाएंगे, हम की कम है की।
चेहरा निकल कर नहीं है दिखाई दे रहा। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लबों की बरका दूंगा हंसी लबों की लाली को। और सब का सब कुत्ता कमीना हरामी सुचंदर चोटा मिला, ये को तो सही मिल जाता कम से कम। तेरी मेरी दोस्ती इतने खास हो कि बॉयफ्रेंड तेरा हो और बाहों में मेरा हो। मेरे इतने करीब मत आओ, बस ठंड जाने दे फिर चला जाऊंगा। सही कहा है ना यार, पहले लोग बचपन का प्यार को पचपन तक निभाते थे और अब अच्छा। तो बचपने में पचपन को प्यार हो जाता है, तो निभाएंगे क्या घंटा। अच्छा दी, हाउ टू बिकम बड़े लोग, हार्ड वर्क करके। भाग बुर्बाक, मेहनत उन्नत कौन करता है। बड़े लोग बनना है तो लोगों को इग्नोर करो, एकदम भाव मत दो, किसी से बात मत करो, आपको मिल जाए रास्ता में तो देखे मुंह ऐट दो, फिर सब अपने बोलेगा कि अरे तुम तो बड़े लोग हो भाई। सही है बोली दे। No calls, I understand. No text, I understand. No time for me, I understand. But when you see me with someone else, I hope you understand. बेबी तुम्हारी रिंग बहुत अच्छी लगती है। ये तो तुमसे पहले वाला जो बॉयफ्रेंड था ना उसने दिलाई थी। और बाइक भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। ये तो उससे पहले वाला जो बॉयफ्रेंड था ना उसने दिलाई थी। अच्छा कार वार नहीं है क्या तुम्हारे पास। वो तो तुम दिलाओगे ना। कारे भाई कहा चाहिए तुमको, चश्मा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब देंगे तुमको, कहा चाहिए तुमको। वैसे तो मुझे भाभी भी पसंद है। भाभी मेरे पति ना जुबान के बहुत ही पक्के हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो अपनी जुबान से कभी नहीं पलटते। हाँ हाँ हम भैया को जानते हैं, जुबान से पलटेंगे नहीं। अब तो आपको भाभी को देना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं रे अच्छा लगा ना मैं। आय घंटा, ये तुझे किसने बोला, तू मुझे एक नंबर का कुत्ता लगा कुत्ता। I love you. तुम्हारे जैसे ठड़की मजनू मुझे रोज ही मिलते हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ। अरे मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मैं यकीन कैसे करूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा बड़ा, तो मेरे अकाउंट में लो 50 लाख डलवा दो। 50 लाख? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अच्छा लगा ना मैं। मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा कैसे लग रहे यार मुझे, तुम सबसे जल्दी करो, बताइएगा लेट हो रहा है, मार्केट जाना है। अरे जी वो लिपस्टिक नहीं मिल रहा है, और जब तक लिपस्टिक नहीं मिलेगा हम कहीं जाएंगे नहीं। अरे जी हम कौन सा आपको बाहर किस करने वाले हैं, चलिए तो। अरे जी आप नहीं कीजिएगा वो हम जानते हैं, लेकिन दूसरा लोग तो गारंटी नहीं ले सकता ना। लिपस्टिक प्यार उससे करो जो आपका सारा खर्चा उठा सके। कौन ऐसा कॉपी है जिसका कवर नहीं, और आज के जमाने में कौन ऐसा लड़का लड़की है जिसका लावर नहीं। ठंड ठंड है बहुत, मैं नहाएगा नहीं साला। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो जानता हूँ तुम्हें शक है तो खुद से पूछो, मैं चलता हूँ क्लास। आगे लेना है शर्मा जी, आपका बेटा बहुत प्यारा है, आप लोग फिर आइए। गुड बाय बेटो। एक बात बता, ये फ्लैंक किस बच्चे के लिए था या उसके बाप के लिए? हाँ तू भी ना बता बता। वह सब बोल दो तुम एकदम सही रही हो, फ्लैंक किस तो उसका बाप के लिए था। क्या लड़का
सुनने में आ रहा कि तुम गाली देना शुरू कर दिया है? कौन कुत्ता कमीने अच्छू चुंदर ने बोला कि मैं गाली देता हूँ? बोला सो बोला गाली दी भी नहीं है ना यार। शर्मा जी, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? जी मैं हार्ट का। आई बेसिकली डील विद पेसमेकर्स। पेसमेकर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। जब प्यारे न था तो हम ही को आके बोल देते हो। घर जाके हम पति या बच्चा को बोलने का क्या जरूरत था? जबरदस्त कॉमेडी। शर्मा जी, वो चीनी खत्म हो गया है। अरे आंटी, चीनी लेना तो आपका बहाना है, आपको तो मेरे बाप को बताना है। पकड़ी गई यार। जबरदस्त। अच्छा बेटा, आपको मम्मी पापा में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सही बताओ आंटी। हाँ सही बताओ। आपकी बेटी। मम्मी और पापा तो सिर्फ गालियाँ देते हैं। यार हम इतना सारा खाना खाते हैं पर कहीं लगता नहीं है शरीर में। अब भाई तुम एक काम करो, तुम जहर खा कर देखो कहीं लग जाए। लोग साल बदलते देख रहे हैं, हम तो साल भर अपनी सहेलियों का बॉयफ्रेंड बदलते देख रहे हैं। बहन आज हम बहुत उदास हैं। काहे रे? काहे कि आज तो काम सुंदर लग रहे हैं। हम अपने पति को लेकर उतना नया सोचते हैं, उतना भरोसा हमको है उस पर। हमारे फाटल तो हमारे बॉयफ्रेंड को लेकर है, वो सारा भरोसे का लायक नहीं है। कुत्ता कमीना छी सुंदर। सिगरेट पीने से लड़कियों के भी फेफड़े ही खराब होते हैं ब्रो, चरित्र नहीं। सोचो बेबी, मगर फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांस से सुननी है। बस यही सब नौटंकी से दुनिया बर्बाद हो रहा है। डियर 2022, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे भाई। यू डिजर्व बेटर बोलकर चुना मत लगा दियो। बहुत ही प्यारी कॉमेडी करती है। जब प्यारे न था तो हम ही को आके बोल देते हो। घर जाके हम पति या बच्चा को बोलने का क्या जरूरत था? तो ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।